आई एम अ डिस्को डांसर से बॉलीवुड में डिस्को लाने वाले पश्चिम बंगाल में 27 नवंबर 1952 को जन्मे पप्पी लहरी, जिनका असली नाम आलोकेश था, वह एक लोकप्रिय गायक, संगीतकार और रिकॉर्ड निर्माता थे। उनके माता पिता भी बंगाली संगीत और कला से जुड़े हुए थे और इसी पारिवारिक वातावरण की वजह से उनका रुझान भी संगीत की ओर बढ़ता चला गया। बप्पी दा ने 3 साल की उम्र से ही तबला और संगीत सीखना शुरू कर दिया। 1973 में उनकी पहली हिंदी फिल्म नन्ना शिकारी के लिए उन्होंने संगीत भी दिया, लेकिन बॉलीवुड में उनकी असली पहचान 1975 की फिल्म जख्मी से ही हुई। इसके बाद आया दौर बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती का। दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में ऐसी धूम मचाई कि सब डांस और डिस्को की दीवाने हो गए। बप्पी दा की बात करूँ तो उनके गानों में ना हमेशा एक अलग ही कनेक्शन रहता था, या फिर आई थिंक कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ में ही वो एक कनेक्शन था। मेरे छोटे भाई की बात कर लूँ या मेरी खुद की, हम लोग जैसे उनके गाने बजते हैं ना, हम सब डांस करने लग जाते हैं। और आई थिंक ये कॉलेजेस में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है, जब भी उनके गाने प्ले होते हैं ना, एक अलग ही जोश आ जाता है सब में। बप्पी दा का बोलबाला हॉलीवुड में भी था। हॉलीवुड में बप्पी लहरी का गाना कलियों का चमन अमेरिकन टॉप 40 का हिस्सा भी बना था। उनके गाने कुछ अलग ही ढंग के थे। वो गाने अगर आज भी हम बजाएं तो हर उम्र के लोग एकजुट होकर झूम उठेंगे। चाहे संगीत के क्षेत्र में हिप हॉप या रैप जैसे कितने भी ट्रेंड्स आ जाएं, लेकिन बप्पी दा के गाने हमेशा शिखर पे ही रहेंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा अंत में कि जब भी पॉप सॉन्ग्स का जिक्र होगा, बप्पी दा का जिक्र होगा। बप्पी लहरी की पहचान डिस्को किंग के नाम से तो थी ही, लेकिन उनका सोने के प्रति लगाव उनके पहनावे की एक अलग ही छवि दर्शाता था। वे अमेरिकी संगीतकार एल्विस प्रेस्ली से प्रेरित होकर सोने के गहने पहनने लगे थे। बप्पी दा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके दिए हुए डिस्को का ट्रेंड हमें आज भी आकर्षित करता है। मैं उनके लिखे हुए एक गाने की चंद पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ। मेरे ये गीत याद रखना, रोते हंसते तुम यही गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कैमरा पर्सन खुशी के साथ, सिमरन सिन्हा, लेक सिटी लाइफ, भोपाल।